लॉकडाउन में झारखंड के सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षा परियोजना परिषद ने तैयारी कर ली है। दरअसल कोरोना संकट की वजह से 16 मार्च से सरकारी स्कूल बंद है और इसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आ रही है। ऐसे में झारखंड ने दूरदर्शन के माध्यम से शिक्षा देने का निर्णय लिया है। इसकी शुरुआत 11 मई से होगी और 10 जून तक चलेगी। हर रोज 10 से 12 और 1 बजे से 2 बजे तक बच्चों के लिए दूरदर्शन पर क्लास प्रसारित होंगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में यूनिसेफ और रांची दूरदर्शन के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस योजना पर मुहर लगी है। इस योजना के मुताबिक हफ्ते में सिर्फ 5 दिन ये क्लास प्रसारित होंगी। इसके लिए सोमवार से शुक्रवार तक का समय तय किया गया है। हर दिन 3 घंटे क्लास प्रसारित होंगी, जिसमें 1 घंटे का कार्यक्रम दूरदर्शन मुफ्त प्रसारित करेगा। बाकी के 2 घंटे के लिए हर रोज JEPC 14,160 रुपए दूरदर्शन को देगा, यानी 10 जून तक इन क्लास में 2,83,000 रुपयों का खर्च आएगा। दूरदर्शन सुबह 10 बजे से 10:30 बजे के बीच यूनिसेफ से प्राप्त मीना मंच और जीवन कौशल आधारित प्रसारण करेगा। 10:30 से 11 बजे तक क्लास 1 से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए होगी, तो वही 11 से 12 बजे तक क्लास 6 से 9 तक के बच्चे पढ़ाई करेंगे और दोपहर 1 से 2 बजे के बीच 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए क्लास प्रसारित होंगी। न्यूज़ डेस्क।